नोकिया हमेशा से वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स और उनकी बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। रिसेंटली ब्रांड ने तो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, नोकिया C12 एंड C12 प्रो, और दोनों ही डिवाइसेज आज मेरे पास हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें फोकस नोकिया C12 पर रहने वाला है, क्योंकि 5,999 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया गया है और काफी सही फीचर्स के साथ आता है। बट आई हैव अ डाउट विच इज रिलेटेड टू बैटरी। नोकिया C12 में 3000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि एटलीस्ट नंबर्स के हिसाब से तो कम लगती है। लेकिन द ब्रांड हैज क्लेम दैट दिस पर्टिकुलर स्मार्टफोन विल गिव फुल डे बैटरी बैकअप और ये आपका पूरे दिन साथ निभाएगा। यानी कि नोकिया कहना चाहता है कि बैटरी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता मैं नोकिया C12 को पूरे दिन यूज करने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। हाय गाइस, माय नेम इज शिवम एंड वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन 91 मोबाइल्स। हर बार मैं अपनी वीडियो की शुरुआत या तो ओवरव्यू से करता हूं या फिर अनबॉक्सिंग से करता हूं, लेकिन आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं नोकिया C12 को बिल्कुल आपकी तरह यूज करने वाला हूं। आई विल स्पेंड अ डे विद इट, यूज इट फॉर माय डेली नीड्स लाइक वीडियो कॉल्स, गेमिंग, सोशल नेटवर्किंग, नेविगेशन और भी काफी सारी चीजें, एंड रिव्यू इट ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, ताकि मैं आपको ये अच्छे से बता सकूं कि नोकिया C12 आपकी डे टू डे नीड्स में कहां फिट बैठता है। तो चलिए जल्दी से मेरे दिन के और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्मार्टफोन्स प्ले सच एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ्स दैट वी लिटरली डिपेंड ऑन देम फॉर स्टार्टिंग आवर डे बाय वेकिंग अस अप। जैसे कि आज मैं उठा अपने नोकिया C12 के अलार्म से। एज यू कैन सी द बैटरी इज 100% राइट नाउ। We are now off to our first location. I am heading to a cafe in South Delhi, which is known for its amazing breakfast. सुबह का वक्त है, ट्रैफिक कम है, लेकिन कितना टाइम लगेगा एक बार नेविगेशन ऑन करके देख लेते हैं। सफर थोड़ा ऑफ लग रहा है ना? Yes, कार में म्यूजिक नहीं चल रहा है। तो अभी मैं स्मार्टफोन को कार के ब्लूटूथ से कनेक्ट करने वाला हूं, साथ ही साथ इस पर नेविगेशन भी ऑन कर देता हूं, एंड दीज आर द टू थिंग्स दैट आर गोइंग टू इंपैक्ट द बैटरी लाइफ ऑफ दिस स्मार्टफोन। So, स्टूडियो से यहां तक आने में मुझे अप्रॉक्स 45 मिनट्स लगे। पूरे रास्ते भर फोन पर नेविगेशन ऑन था, फोन का ब्लूटूथ भी ऑन था, म्यूजिक भी चल रहा था। बावजूद इसके फोन की जो बैटरी है वो काफी कम ड्रॉप हुई है, विच इज इंप्रेसिव। फोन के बैक पैनल पर नैनो टेक्सचर डिजाइन दिया गया है, विच प्रोवाइड्स अ ग्रेट ग्रिप एंड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। इस फोन को कैरी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे अपने फोन पर म्यूजिक वीडियोस देखना काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इससे मैं काफी खुश और एनर्जाइज रहता हूँ। सो एट द सेम टाइम अगर फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करूँ, तो जैसा आप देख सकते हैं कि नोकिया C12 का जो डिस्प्ले है वो 6.3 इंचेस का है और एक HD+ डिस्प्ले है। ब्राइटनेस भी इनफ है, यहाँ पर आराम से आप अपना फेवरेट म्यूजिक वीडियो भी देख सकते हैं जैसे कि मैं देख रहा हूँ, और कलर्स भी देख रहे हैं आप, काफी सही यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि नोकिया C12 के साथ आपको एंटरटेनमेंट की भी फुल गारंटी मिल जाती है। खाना तो आ गया है गाइज, बट हाउ कैन आई इवन स्टार्ट माई फूड बिफोर आई हैवन टेक एनी इंस्टा वर्दी फोटोज ऑफ इट। तो सबसे पहले यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए कुछ अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर लेते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 11 AM नाउ, और मुझे यहाँ पर ऑफिस के कुछ ईमेल्स के आंसर करने हैं, कुछ स्क्रिप्ट का काम अपना पूरा करना है जिसके लिए मैं इस डिवाइस को यूज करने वाला हूँ। सो आई हैव जस्ट फिनिश्ड मल्टीपल टास्क ऑन दिस स्मार्टफोन लाइक नेविगेशन, फोटोग्राफी, ऑफिस वर्क एंड इवन वॉचिंग वीडियोज। और इतना सब कुछ काम करने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि स्मार्टफोन की बैटरी कितनी ड्रेन हुई होगी। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी अब भी स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो 85% बची है। The phone is working flawlessly, और वो इसलिए क्योंकि इसमें 1.6 GHz का octa-core processor दिया गया है, and ये काम करता है Android 12 Go Edition पर, जिसमें आपको एक clean Android मिलता है without any bloatware and preloaded apps. ये clean interface काफी visually appealing है and makes your overall usage experience more convenient. सुबह के सारे काम complete करते करते we have now reached the second half of the day. I'm heading off to a different part of the city known for its quieter vibe, the lush green deer park. यहाँ की feel काफी vibrant है, photography के लिए भी काफी सारे spots यहाँ पर मौजूद हैं।
मैं यहाँ ढेरों सारी पिक्चर्स क्लिक करने वाला हूँ और वीडियो भी बनाने वाला हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग में दिल्ली देखने लायक होती है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कैप्चर एवरीथिंग ऑन माई नोकिया C12। सो लेट्स गो। ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर एक घंटा हो गया है और मैंने फोन से काफी सारी फोटोज और वीडियोस क्लिक की हैं, कुछ एडिट्स भी किए हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग डे और मेरी एनर्जी तो लो हो रही है, लेकिन आइए देखते हैं कि नोकिया C12 की एनर्जी यानी कि बैटरी कितनी बची है। अभी भी हमारे पास 72% बैटरी बची हुई थी, विच इज क्वाइट इंडीड इम्प्रेसिव। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी फोन की बैटरी कम क्यों ड्रॉप हुई है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, जो कि मैं आपको स्टूडियो से बताऊंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टूडियो नाउ। बैटरी कम ड्रॉप होने का पहला रीजन है फोन का क्लीन एंड एड फ्री OS, जो कि एंड्रॉइड गो है और विदाउट किसी कस्टमाइजेशन के आता है, जिससे कि कस्टमाइज्ड OS वाले किसी दूसरे फोन के कंपैरिजन में C12 पर बैटरी कंजम्पशन कम होती है। सेकंड रीजन इज बैकग्राउंड रनिंग एप्स। नोकिया C12 में आता है एक बहुत ही खास फीचर ऑटो क्लीनअप, जो कि ऑटोमेटिकली कैश मेमोरी क्लीन करता है अगर आपका फोन 5 मिनट के लिए लॉक्ड है और कोई यूज नहीं हुआ है। और ये सब फॉलो करने के बाद भी अगर आपको और भी ज्यादा बैटरी बचानी हो तो नोकिया C12 बैटरी सेवर मोड या फिर बैटरी सुपर सेवर मोड के साथ भी आता है। यू कैन टर्न इट ऑन इजीली एंड इससे कई गुना तक और ज्यादा बैटरी सेव कर सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि परफॉर्मेंस है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फोन की परफॉर्मेंस उसकी बैटरी को काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है। यहां पर फोन पर मैंने N22 बेंचमार्क रन किया है। लेट्स लुक एट द स्कोर। After a long day at work, I decided to sit down with some coffee and enjoy a relaxing game like Two Dots to Unwind. Also with this, wordplay is something I prefer when I want to end my day on a sharp focus note. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतना सब कुछ परफॉर्म करने के बाद भी फोन बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ है। अगर मैं अपने पूरे दिन को रिकैप करूं तो आज मैंने नोकिया C12 पर खूब सारा GPS नेविगेशन यूज किया, इससे काफी सारे वीडियोस बनाए, फोटोज क्लिक की, यही नहीं मैंने इस पर काफी सारा गेम्स भी खेले और इंटरनेट भी सर्फ किया एंड वीडियोस वगैरह भी देखी। बावजूद इसके बाय द एंड ऑफ द डे फोन की बैटरी 45% बची है एंड ऐसा लगता है कि 7-8 घंटे अभी ये फोन और आराम से चल सकता है। नाउ कमिंग टू द वर्डिक्ट, तो हमारे टेस्ट में नोकिया C12 अपीयर टू बी अ नो नॉनसेंस डिवाइस, जो कि अपने क्लीन UI, मिनिमल डिजाइन और बड़ी बैटरी के साथ आपके सभी डेली टास्क आराम से पूरा कर देता है। और यह बात भी प्रूव हो जाती है कि बैटरी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए। रही बात नोकिया C12 प्रो की, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो स्मार्टफोन है 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है और जब C12 हमारे टेस्ट में एक्सीलेंट पास हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि नोकिया C12 प्रो आपको कितना ज्यादा बैटरी बैकअप देने वाला है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा दिन नोकिया C12 के साथ। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग 91 मोबाइल्स।